हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया और आज हम बात करने वाले हैं एरीज के लिए सितंबर 2019 कैसे जाने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बहुत दिल से थैंक यू करना चाहती हूं लोशो ग्रिड को इतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस देने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और मेरे वीडियोस को भी बहुत लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। मैं आगे भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ा टाइम लगेगा मेरी इन रीडिंग्स में, क्योंकि सितंबर में बहुत ज्यादा प्लैनेटरी जो सिचुएशंस है वो बहुत मूव कर रही हैं। 5 प्लैनेट्स ऑलमोस्ट एक साथ मूव कर रहे हैं। आप सबको पता ही है, जैसे मून मूव करता है वो 2.25 दिन के अंदर मूव करता है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र भी ऑलमोस्ट आसपास दे आर मूविंग लाइक वेरी क्लोज टू ईच अदर इन एवरी हाउस और एवरी राशि वन कैन से। तो आपने ये, अगर आपका लगन है एरीज तो आपने ध्यान से इसको देखना है। अगर आपकी राशि भी है एरीज तो भी आप ये सुन सकते हैं। और अगर आप एरीज हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके थर्ड हाउस में इस समय राहु है और आपके नाइन्थ हाउस में शनि और केतु हैं। शनि और केतु का योग बहुत टाइम तक अब नहीं रहने वाला, क्योंकि शनि पिछले 4 महीने से रेट्रोग्रेड रहे हैं, पीछे चल रहे थे, उल्टा चल रहे थे एक हिसाब से। तो शनि की जो मूवमेंट है वो 18 सितंबर को सीधी हो जाएगी, डायरेक्ट हो जाएगी। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बल्कि हम सभी को काफी रिलीफ मिलेगा। एटमॉस्फेयर में भी काफी चीजें जो हैं, जो हमारी न्याय नहीं हो पा रहा था, जो न्याय प्रणाली रुकी हुई थी या पीछे चल रही थी, वो सब चीजें जो हैं वो मूवमेंट में आ जाएंगी। और क्योंकि सैटर्न ने अब जनवरी 2020 में 24 जनवरी को वो चेंज हो जाना है और अपनी ही राशि स्वराशि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न में आने वाले हैं, तो आपकी वो 10th राशि पड़ती है। तो आपके कैरियर में कुछ न कुछ चेंज एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो चेंज जो बेटर के लिए। इसलिए घबराइए मत, हो सकता है कि आपका एक से ज्यादा काम बन जाए या एक से ज्यादा शहर में बन जाए, या अगर आपकी शॉप है तो आप एक से ज्यादा जगह पर वो शॉप अपनी खोल सकते हैं या शॉप का कुछ भी काम वगैरह आप कर सकते हैं। साथ ही साथ राहू जो है वो अपने ही नक्षत्र आर्द्रा में जा रहा है। आर्द्रा नक्षत्र में राहू के जाने की वजह से बहुत सारी चीजें जो राहू की रूकावट आ रही थी वो भी ठीक हो जाएगी और काफी हद तक जो ये चेंजेस हैं वो बेटर के लिए होंगे और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। गुरु आपके 8th हाउस में है। मुझे ये बताना बहुत जरूरी है, कुछ लोग बहुत इम्पेशेंट होते हैं कि आप बहुत ज्यादा बताते हो और कमेंट्स भी कर रहे हैं, पर फ्रेंड्स ये बताना बहुत जरूरी है कि इस समय सिचुएशन कैसी है। मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहती हूं, ना ही आपकी लाइफ में किसी होप को रोकना चाहती हूं। तो दोनों जगह पर मैं आपको बिल्कुल जो है वो दिखा रही हूं। इस समय सिचुएशन इस तरह की है कि प्लैनेटरी कंडीशन इस तरह है कि आपका गुरु जो है वो 8th हाउस में चल रहे हैं। 5th नवंबर तक गुरु 8th हाउस में है। जब तक गुरु आगे नहीं ट्रैवल करते, 9th हाउस में अपनी ही स्वराशि धनु में नहीं जाते, तब तक राहु से रिलेटेड, सैटर्न और केतु से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। अभी एक और, ये भी मैं नहीं कह सकती कि 5th नवंबर को ही चैन पड़ जाएगा, क्योंकि दिसंबर में बहुत सारे प्लैनेट्स ऑलमोस्ट 9th हाउस में इकट्ठे हो जाएंगे। पंच महापुरुष योग भी बनेगा, तो वो जो इकट्ठे होंगे तो कुछ हलचल जो है वो मूवमेंट आएगी लाइफ में। पर क्योंकि सैटर्न बहुत बड़े प्लैनेट है और जनरली जो बहुत बलिष्ठ प्लैनेट है या पाप ग्रह जिन्हें कहा जाता है, उनकी ये आदत है कि बहुत बड़े चेंज से पहले ही 3-4 महीने पहले ही अपने जो रिजल्ट्स हैं वो देते हैं। तो 18 सितंबर के बाद जो चीजें आपकी रुक रही थी वो रुकेंगी नहीं और मूवमेंट आ जाएगी। 5th नवंबर के बाद जिनकी शादी से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो वो भी सॉल्व होने लग जाएंगे और बेटर के लिए, और आपको अपने से ही कुछ न कुछ जो है वो रिश्ते भी मिलने लग जाएंगे। अब मेजर प्लैनेट 17 सितंबर को सूर्य चेंज होंगे, जो कि आपके 6th हाउस में आएंगे। हो सकता है कि आपकी कोई छोटी यात्रा हो। सूर्य अगर आपके कर्जे झगड़े बीमारी वाली जगह पर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां रोशनी डालेंगे, तो आपके जो छुपे हुए दुश्मन हैं वो सामने निकल कर आएंगे और आपको पता चलेगा कि क्या दुश्मन है। फिर वो आगे अपनी तुला राशि में यानी कि नीच की राशि में भी आगे ट्रेवल करेंगे कुछ टाइम के बाद, लेकिन अभी 17 सितंबर से सूर्य जो है वो बुध में जाएंगे। सबसे पहले इस मंथ में चेंज होगा 9 सितंबर को, क्योंकि शुक्र जो है वो कन्या राशि में जाएंगे। 9 सितंबर को ही शुक्र कन्या राशि में चले जाएंगे यानी कि 6th हाउस में आपके चले जाएंगे, और उससे ये चेंज होगा कि जो आपके फ्रेंड्स थे, जो आपके दूर दूर जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट ठीक होगा। कन्या राशि में बहुत गलत वीनस मैंने कभी भी नहीं देखा, हालांकि हो सकता है कि कुछ लोग
लोगों की तरफ आप अट्रैक्ट हों, कुछ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हों, तो वो एक इश्यू निकल कर आ सकता है। अदरवाइज कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत हार्मफुल हो, क्योंकि नाइन्थ को जैसे ही शुक्र चेंज होंगे, अभी वैसे भी वो अस्त हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ भी नेगेटिव वो नहीं करने वाले हैं। टेंथ सितंबर को बुध भी आपकी कन्या राशि में आ जाएंगे, जो कि उसकी स्वर राशि है, और उस में आने की वजह से बुध जो है अपना प्रभाव पूरा देंगे। तो आप अपनी सद्बुद्धि का उपयोग करेंगे, उसके साथ साथ जो भी बात आप करना चाहते हैं वो बहुत बेटर वे में कर पाएंगे। अब हम अगर देखें तो 29 सितंबर को शुक्र जो अस्त हुए थे 72 डेज के लिए, वो उदय हो जाएंगे। तो जो चीज लग्जरी की चीजें रुकी हुई थी, स्पेशली जैसे हम कहते हैं ना तारा डूबा हुआ था, तो वो भी उदय होगा और शादियां भी शुरू हो जाएंगी 29 सितंबर को। ऐसा हो जाएगा 29 ही सितंबर को बुध तुला राशि में भी चले जाएंगे। देखिए कितनी मूवमेंट है, पहले बुध ने 10th को कन्या राशि में गए, 29th को वो तुला राशि में चले गए, 9 तारीख को कन्या राशि में शुक्र चले गए, 29th को वो उदय हुए, और 3 अक्टूबर को फिर वो बड़ी फास्ट फास्ट आगे भी चले जाएंगे तुला में, पर शुक्र तुला में अपनी राशि में होंगे तो बहुत ज्यादा प्रभाव आएगा और स्पेशली आपके केंद्र में होंगे। अगर हम देखें तो मार्गी जो है 18th सितंबर को जब शनि मार्गी होंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी सॉल्व होंगी। 25 सितंबर को कन्या राशि में मंगल भी चले जाएंगे, तो फिर वहां पर ये चार जो प्लैनेट्स हैं वो आपके 6th हाउस में रहेंगे, तो कुछ आपको प्रॉब्लम हल्की हल्की आ सकती है। पर इसके अलावा आपकी मूवमेंट हो सकती है, किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। अगर हम कार्ड्स देखें तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है फ्रेंड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपको किसी न किसी छोटी यात्रा पर दे सकता है। आपकी अगर मतलब जैसे प्रमोशन नहीं हुई तो प्रमोशन होगी, अगर आपका कोई भी ट्रांसफर होने का योग था और नहीं हो पा रही थी तो आप ये सोच लीजिए कि वो हो गई। अमाउंट ऑफ टेंशन आपकी जीरो के बराबर होती जा रही है, पैसे आपको मिलने लग जाएंगे, क्योंकि वीनस जब चेंज होते हैं किसी भी हालत में वो पैसे देते हैं। फैमिली लाइफ में भी कुछ बहुत ज्यादा मुझे गलत नहीं लग रहा, हालांकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज जो हैं वो आपके रुकेंगे, लेकिन 25 सितंबर को वो भी बहुत जल्दी से होंगे। 25 सितंबर को जब मंगल आएंगे आपके 6th हाउस में, तो मैं ये जरूर जानती हूं कि मंगल के आने की वजह से कहीं ना कहीं आप में ताकत आएगी, कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। हालांकि 17th को जब सूर्य आपके 6th हाउस में आएंगे तो बाकी सब चीजों को कम्बस्ट कर देते हैं, पर बुध के साथ कम्बस्शन नहीं होता, और बुध अपनी राशि के होंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रभाव देंगे। किसी नए काम की शुरुआत अगर आप इस टाइम में करते हैं तो बेटर है। तो ऑल इन ऑल 9th से पहले आपकी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे आपकी लाइफ में, रादर आपको डिप्रेसिव थॉट्स आएंगी। 10th के बाद जब बुध कन्या राशि में आएंगे तो आपको काफी ज्यादा हद तक फायदा होगा, एक से ज्यादा ऑप्शंस आपको अपने काम में मिलेंगे, कुछ सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है जो आपके फेवर में होगी। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाइए। किसी रिलेशनशिप में अगर किसी बेवजह की वजह से, आपकी बिना गलती की वजह से अगर गैप आता है तो थोड़ा सा दूर हो जाइए। अब इस रिलेशनशिप में गैप डालने का शायद टाइम होगा। इस लाइफ में आपको 5 कप्स मिले हैप्पीनेस के, प्रोस्पेरिटी के, प्रोग्रेस के, प्रमोशंस के। अगर आपसे किसी वजह से 3 गिर भी गए हैं तो 2 आर स्टिल देयर, सो सेव दोज 2, दैट इज द मेन आपके लिए मैसेज। वैसे ट्रिनिटी ऑफ गॉड आपके साथ है, तो ऑल इन ऑल थोड़ा सा शत्रुओं से ध्यान रखने वाली बात है मेष राशि वालों के लिए। अदरवाइज कुछ भी बहुत ज्यादा नेगेटिव आपके साथ नहीं होने वाला, पर मुझे कुछ बेटर 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 धीरे धीरे लग रहा है। देखिए हम मूव तो बेटर की तरफ कर रहे हैं, लेकिन बेटर इतना स्लो हो रहा है कि वो आपको फील ही नहीं हो रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा। स्टैंड स्टिल सिचुएशंस हैं कई चीजों में, लोगों के साथ स्टैंड स्टिल सिचुएशन है। ये 5 प्लैनेट्स, अभी तो चंद्रमा भी देखा जाए तो वो मूव करते हैं 2.25 दिन में, तो फिर वो भी बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, और ये जो इतने 4 प्लैनेट्स एक साथ ऑलमोस्ट मूव कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से एक ही मंथ में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं और पॉजिटिविटी कम लगती है, ड्रेनिंग ऑफ एनर्जी हो रही है। ये सब कुछ 5 नवंबर के बाद काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा 18th अक्टूबर के सितंबर के बाद, क्योंकि सैटर्न मार्गी हो जाएंगे, रेट्रो से डायरेक्ट हो जाएंगे, तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और जब सैटर्न अपनी राशि में जाएंगे सबसे ज्यादा फायदा एरीज को होना चाहिए, क्योंकि राशि परिवर्तन के बाद शनि अपनी राशि में, जो मेन काल पुरुष की कुंडली की राशि में भी कैरियर के लिए सैटर्न जो है वो एक हिसाब से सैटर्न इज द लॉर्ड, और जो लॉर्ड है वो खुद ही वहां पर आएंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा। वैसे पर्सनली सैटर्न कहां है आपकी जन्म कुंडली में ये भी देखना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि फ्रेंड्स मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूं,
जो चार्जेबल है, अदरवाइज आप मुझे जब मैं फ्री ऑनलाइन आती हूँ तो मैं फ्री रीडिंग्स करती हूँ। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।